नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। जान खतरे में डालकर बनाई द कश्मीर फाइल्स, कपिल शर्मा का नाम सुनकर क्या बोले विवेक। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है। बता दें, लंबे समय बाद थिएटर्स दर्शकों की तालियों और इमोशन से गूंज उठा है। खाली पड़े सिनेमा हॉल में इस शोर का क्रेडिट विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को जाता है। कम बजट में बनी ये फिल्म ना सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है बल्कि दर्शकों के दिलों को भी जीत रही है। फिल्म की कहानी जान ली है, सफलता का इतिहास बनता भी देख रहे हैं। अब जान लेते हैं कि फिल्म बनाते समय डायरेक्टर्स और एक्टर्स को किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म को दर्शकों से उम्मीद से ज्यादा प्यार मिल रहा है। आज तक से खास बातचीत के दौरान विवेक ने फिल्म से जुड़ी कुछ अनकही बातें शेयर की हैं। जब द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर से पूछा गया कि फिल्म बनाते समय उन्हें किन मुश्किलों से गुजरना पड़ा, तो वो कहते हैं कि फिल्म बनाने से थोड़ा पहले डर था। आपकी जान को बहुत बड़ा खतरा होता है, टेररिज्म से बचाने के लिए ना पुलिस आती है और ना आर्मी। आगे बात करते हुए उन्होंने कहा, कई लोग फिल्म को अंडरएस्टिमेट कर रहे थे, कौन है कश्मीरी पंडित क्या है, लेकिन अब फिल्म इतिहास बना रही है और लोग अपने इतिहास को जान रहे हैं। फिल्म को मिल रहे प्यार को देखते हुए विवेक अग्निहोत्री ने जल्द इसकी सीरीज बनाने का ऐलान भी किया है, यानी अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कश्मीरी पंडितों के दर्द को महसूस किया जा सकेगा। वहीं कपिल शर्मा से चल रहे विवाद को भी लेकर विवेक से बात की गई। फिल्म रिलीज से पहले विवेक अग्निहोत्री कपिल शर्मा शो पर इसके प्रमोशन के लिए जाना चाहते थे, पर कपिल की तरफ से इंकार कर दिया गया। कपिल पर आरोप लगाते हुए विवेक ने कहा कि फिल्म में बड़ी स्टार कास्ट नहीं है, इसलिए कपिल शर्मा उन्हें अपने शो पर नहीं बुलाना चाहते। वहीं अब जब उनसे कपिल के मुद्दे पर बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा, वो कपिल शर्मा से पूछिए क्यों नहीं उन्होंने बुलाया, कहकर इस तरह से इन्होंने बात को टाल दिया। बताते चले कि कश्मीर फाइल्स पूरी तरह से हिट फिल्म साबित हो रही है और दर्शकों का इसको खूब प्यार भी मिल रहा है। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।